कार्तिक आर्यन हाल फिलहाल अपनी भूल भुलैया 3 में खूब मशरूफ हैं। इन दिनों मुंबई के ही लोकेशन पर इस फिल्म का एक बेहद इम्पोर्टेंट सीक्वेंस शूट हो रहा है। इस बात की जानकारी खुद कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है, वो भी ये बताते हुए कि फिल्म के लिए वो 18 घंटे तक शूट कर रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने मंगलवार को सेट से एक नई झलक अपने फैंस के साथ शेयर की है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कार्तिक ने फैंस के लिए एक नई तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने शूट 1 से शूट 2 तक की झलक दिखाई है। दरअसल बीते मंगलवार देर रात कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर भूल भुलैया 3 के सेट से कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए एक कूल इमोजी की मदद से अपना चेहरा छिपा लिया है। फोटो शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा है कि शूट 1 भूल भुलैया 3। वहीं आज यानी कि 8 मई को देर रात में उन्होंने दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट पोस्ट शेयर की, जिसमें कार्तिक ने कॉफी की झलक के साथ अपना भी चेहरा दिखाया है। वहीं इस वीडियो को इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि शूट 2 3:29 AM कॉफी भी खत्म। हालांकि आखिरी पोस्ट जो कार्तिक आर्यन ने डाला है, उसे देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बता दें कि एक्टर ने आखिरी पोस्ट शूटिंग के बाद की डाली है। जी हां, घर वापस लौटते समय कार्तिक आर्यन ने कार से अपना एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा है 18 घंटे की शूटिंग खत्म हुई। इससे साफ पता चलता है कि कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए नॉन स्टॉप शूट कर रहे हैं और 18 घंटों की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। बताते चले कि अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी हिट फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है और ये फिल्म इस साल दिवाली 2024 के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।